दोस्तों, मैं हूं जयदीप गोपाले। आज मैं आपको मैनुअल मोड में कैसे शूट करना है फ़ोटो वो बताऊंगा, इजी टू स्टेप वे में। जनरली आप जब नया DSLR कैमरा लेते हो तो ऑटो मोड में शूट करना स्टार्ट करते हो। मैनुअल मोड में काफ़ बहुत बार सेटिंग्स समझ में नहीं आते। सो लेट्स सी इजी स्टेप्स। आपको पता होगा कि शटर स्पीड, एपर्चर और ISO के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपर्चर के बारे में सोचिए। आपको फ़ोटो कैसे चाहिए? ब्लर ब्लैक बैकग्राउंड की चाहिए या क्लियर फ़ोटो चाहिए? अगर आपको ब्लर बैकग्राउंड की फ़ोटो लेनी है तो अपर्चर जितना कम हो सकता है उतना रखिए। अगर आपको क्लियर फ़ोटो चाहिए तो रिकमेंडेड सेटिंग है 6 एंड अबव। जब आप जाओगे तो आपको क्लियर फ़ोटो या क्लियर बैकग्राउंड आपको आएगा। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे 6.3 सेट कर रहा हूँ। अपर्चर सेट करने के बाद आप शटर स्पीड सेट कीजिए। शटर स्पीड आपको दो चीज़ें सोचनी होगी कि एक आपका स्टिल फोटोग्राफी है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर फ्लावर की फ़ोटो ले रहा हूँ, या मूविंग फोटो है, मूविंग पिक्चर है आपका, जैसे बर्ड का फोटो आप लेते हो। अगर बर्ड का फोटो या मूविंग पिक्चर है तो आपको शटर स्पीड काफ़ी ज़्यादा रखना होगा। रिकमेंडेड है 640 के ऊपर शटर स्पीड। अगर स्टिल फोटोग्राफी है तो या कम से कम रख सकते हैं। एक थंब रूल है, अगर आपके पास 50 mm की लेंस है, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 50 mm का, अगर 50 mm का लेंस है तो आप 50 शटर स्पीड से कम मत रखिए। अगर आप 250 का यूज़ कर रहे हो तो 250 शटर स्पीड के नीचे मत जाइए। अगर आप उसके नीचे अगर आप ले रहे हो तो पिक्चर्स इतनी क्लियर नहीं आती हैं। तो बेसिक थंब रूल फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं 60 सेटिंग रखी है बेस्ड ऑन स्टिल फोटोग्राफी। ये दो, अपर्चर और शटर स्पीड सेट करने के बाद आप ISO स्पीड सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं काफ़ी डार्क लाइट या शेडो में सेट कर रहा हूँ, तो मैंने ISO स्पीड 1600 रखी है। बेस्ड ऑन नीड, अगर आप जैसे एक्सपोजर आपका पिक्चर्स अगर ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहे तो आप वैसे ISO स्पीड चेंज कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी डार्क फोटो दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ISO बढ़ा के देखेंगे। या अभी फोटो काफ़ी अच्छी है। ऐसे ही आप चेंजेस करके, आप अगर आप ब्राइट लाइट में जाओगे तो आपका इतना ISO ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, या कम ISO में भी आपको अच्छी फोटो आएगी। तो ये है मैनुअल सेटिंग, एक स्टेप्स। दूसरा, अगर आपको आपने अपर्चर सेटिंग कर दी है जो आपको चाहिए, लेट्स से या मैंने यहाँ पर 4 रखी है एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, उसके बाद आपने आपको ISO कम से कम चाहिए। आपको पता ही होगा कि ISO अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपके फ़ोटो में ग्रेन्स ज़्यादा आते हैं, सो इतनी क्लियर फ़ोटो नहीं आती। जितना कम ISO उतनी क्लियर फ़ोटो आती है। तो लेट्स से मैं 800, मैं ISO को फिक्स करना चाहता हूँ 800 के ऊपर। आप अभी शटर स्पीड को एडजस्ट करके फ़ोटो ले सकते हो। तो देखिए, और वो लेते वक्त आप यहाँ पर स्क्रीन के अंदर, अगर आप
या ये व्यू फाइंडर से देख रहे हैं तो आपको ये अंदर व्यू फाइंडर में भी दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब आपकी अंडर एक्सपोज है। आप अगर इसको चेंज करते जाओगे, शटर को कम करते जाओगे, तो आपका ये जो लाइंस है वो मिडल पे आते जाएगी। सो आपको काफ़ी अभी अच्छी एक्सपोज फोटो दिख रही है यहाँ पर। सो काफ़ी अच्छी क्लियर एक्सपोज फोटो आई है यहाँ पर। या आप शटर स्पीड एडजस्ट करके आप फोटो ले सकते हो। ये दो बेसिक सिंपल स्टेप्स है। अगर आप मैनुअल मोड में फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो एक्सपोजर का स्केल होता है वहाँ पर आप एडजस्ट करके, आपकी शटर स्पीड एडजस्ट करके आप अच्छी एक्सपोज फोटो ले सकते हो। और आईएसओ चेंज करके भी आप ये यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि जैसे ही एडजस्ट करते हो तो आप काफ़ी या अच्छी एक्सपोज फोटो आती है। ये दो मेथड है मैनुअल मोड में फोटो शूट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू।